चुनाव से पहले मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ये दावा किया था कि अगर दोबारा योगी सत्ता में आए तो वे यूपी छोड़ देंगे, लेकिन योगी तो सत्ता में आ गए। अब मुनव्वर राणा यूपी छोड़ेंगे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक शख्स ने देखिए मुनव्वर राणा को फोन किया तो क्या बातचीत होती है। मुनव्वर साहब नमस्कार। जी आदाब सर, आदाब। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। तबीयत पानी सब सही है? तबीयत भी अच्छी नहीं है, अभी स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं है। नहीं वही असल में किडनी की वजह से। जी 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 सही है। तो खतरा बना हुआ है उसका, डायलिसिस का। चलिए जिस हाल में रखे अल्लाह में आपके लिए। नहीं नहीं भगवान से प्रार्थना है कि आप सही सलामत रहें। और कल तो यूपी की काउंटिंग है, आपके लिए तो बड़ी भारी रात है आज। नहीं नहीं हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं आपने बोला हुआ है, हम फकीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है, हम जहाँ जाएंगे अपना घर उठा ले जाएंगे। तो मतलब यूपी छोड़ देंगे क्या? चले जाएंगे तो क्या कीजिए, जब आप लोग चाहेंगे ना रहो। अरे नहीं हम क्यों चाहेंगे, बयान तो आप अपने से दिए हैं, हम थोड़ी बयान देने के लिए बयान तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी आपकी कि आपने ऐसा बयान दे दिया? नहीं नहीं मतलब ये कि अब जब बयान दे दिए हैं तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बयान दिया क्यों, आप जो हम सताए गए तब दिया ना। अरे कैसा सताए गए, अब इससे बढ़िया सरकार कहाँ आपको मिलेगी बताइए। सबसे ज्यादा लाभार्थी आपकी कौम है, फिर भी आप लोग कैसे हुआ खड़ा? यहाँ कौम की बात ही नहीं है, यहाँ मेरी अपनी मेरा अपना जो। अरे आपको क्या नहीं मिला बताइए, आपको क्या नहीं हम मिला? हम कोई कौम के लीडर तो है नहीं, देखिए हम तो आपका शायर किसी कौम का नहीं होता है। आपका आपसी झगड़ा परिवार का था, उसको आप सड़क पर ले आए, तो उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने जितना सुलूक किया क्या? आप तो परिवार जब एफआईआर कराएगा तो भाई उस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। आप ये एफआईआर कराएंगे और हम कार्रवाई ना करें सरकार तो आपको कैसा लगेगा? नहीं चलिए तो मतलब कल प्रोग्राम बना लिए हैं क्या सच में? हाँ नहीं हाँ हाँ जाहिर सी बात है, कहने भी इंतजाम करें। नहीं ऐसा मत करिए, हम लोग जैसे ही आपको यूपी के लिए आपको आपकी बहुत जरूरत है। चलिए आप जीते रहिए, अल्लाह खुश रखे। यूपी किसान है चाहे जीते भी हैं। चलिए आप जीते रहिए, घर में सबको मेरी दुआएं कहिए, बस हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि एकदम एकदम बाबा विश्वनाथ से हम प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें मस्त रहें। हाँ आप जाइए तो दुआ मांग लीजिएगा बाबा, जरूर जरूर प्रार्थना जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, अयोध्या जाएंगे तो इस बार जरूर आपके लिए करेंगे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज जी, महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।